नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को आपके अपने ही चैनल प्लेयर्स रिकॉर्ड पे। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे फैनकॉर्ड यूरोपियन क्रिकेट टी10 सीरीज की जो अगला मैच आज खेला जाएगा SLG वर्सेस PIR के बीच में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही टीमों के पूरी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आज बैटिंग ऑर्डर के साथ। दोस्तों कौन से प्लेयर आज आपको इस मैच के अंदर ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से खिलाड़ी फर्स्ट राउंड पे खेलेंगे, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप शेयर करने वाला हूं। ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा दोस्तों, एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको सही तरीके से मिल पाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के नीचे भाइयों आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, इस पर एक बार क्लिक कर दे। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सिलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिलता रहेगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे जरूरी है दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। दोस्तों कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे मोर का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो टॉप में आप लिंक देख रहे हैं ये मेन चैनल का लिंक है दोस्तों, आफ्टर टॉस अगर कोई भी चेंजेस होता है तो फाइनल टीम फिर आपको इसी ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर रख लेना, आने वाले और भी मैचेस में वीडियो प्लस टीम आपको मिलता रहेगा। बाकी नीचे जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये बैकअप चैनल का लिंक है, आप इसमें भी ज्वाइन करके रख सकते हैं। तो चलिए अब रिकॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ये जो मैच रहेगा दोस्तों रात 12 बजे और सेकंड मैच आपको 2 बजे देखने को मिलेगा। ग्राउंड सेम रहेगा, पिच कंडीशन आपको पता है 120 के राउंड आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा इस ग्राउंड पे। टोटल मैचेस अभी तक 17 हो चुके हैं इस ग्राउंड पे सीरीज के, जिसमें से 6 मैचेस फर्स्ट बैटिंग टीम ने जीता है और 11 मैचेस दोस्तों यहाँ पे सेकंड बैटिंग टीम चेजिंग करते हुए जीता है। वैसे अगर आप देखेंगे तो सेकंड बैटिंग टीम के जीतने के चांसेस इस मैच के अंदर इस ग्राउंड पे ज्यादा रहता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बाकी SLG की जो टीम है अभी तक 7 मैच खेला, 4 मैच जीता, 3 मैच लॉस किया है। तो ये जो टीम है दोस्तों काफी बढ़िया अभी तक परफॉर्मेंस करा है, लेकिन PIR की जो टीम है अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर 8 मैच के अंदर 6 मैच जीता है और 2 मैच लॉस किया है। अगर ऐसे देखेंगे तो PIR की टीम ज्यादा मजबूत नजर आएंगे एज कंपेयर टू SLG की टीम, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। इसके अगर आप चाहो तो मैक्सिमम प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर आप रख सकते हैं। चलिए अब बैटिंग ऑर्डर की ओर आगे बढ़ेंगे। जुलेन जो की टीम के दोस्तों आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों, अभी तक 7 मैच के अंदर 139 रन अभी तक ये बना चुके हैं। इनके साथ अगर आप देखोगे ब्रायन जमनित इनके आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे, प्लस 2 ओवर गेंदबाजी भी करेंगे। 7 मैच के अंदर 198 रन बना के दोस्तों 3 विकेट ये निकाल चुके हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत सेफ ऑप्शन रहेगा ये खिलाड़ी, तो ध्यान रखना दोस्तों आप इन दोनों प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर जरूर ट्राई करना है। बाकी अगर आप देखोगे कैरन स्ट्रेगो का रिकॉर्ड 5 मैच के अंदर 129 रन अभी तक बनाया हुआ है। मार्क जो कि दोस्तों फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं, पहले मैच के अंदर 1 रन बनाया था, दूसरे मैच के अंदर ओपन करने का मौका मिला, 11 रन स्कोर कराया, आप इनको अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल। राहुल देसवानी का रिकॉर्ड 4 मैच के अंदर 20 रन प्लस 1 विकेट निकाला, मैं इनको फिलहाल ड्रॉप करूंगा दोस्तों, नवज को भी ड्रॉप करने वाले हैं। जवाद का रिकॉर्ड देखेंगे दोस्तों 3 मैच के अंदर 8 रन प्लस 2 विकेट निकाला है, बाकी यहां पे 2-3 खिलाड़ी हैं इनको भी ड्रॉप कर सकते हैं आज। बाकी कबीर मीरपुरी का रिकॉर्ड 7 मैच के अंदर 55 रन बना के दोस्तों 7 विकेट निकाला, ये भी आपके लिए सेफ रहेगा, फर्स्ट मतलब टीम के दोस्तों टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है और यहां पे 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे, इनको भी जरूर ट्राई करना है। और यहां पे जोसेफ को फिलहाल ड्रॉप करेंगे। लुके का रिकॉर्ड 3 मैच के अंदर 4 रन किया, इनको मैं ड्रॉप करने वाला हूं, रियान को भी ड्रॉप करेंगे। अरुण 3 मैच के अंदर दोस्तों 1 विकेट निकाला है। जोनाथन का रिकॉर्ड पहले मैच के अंदर 1 विकेट, दूसरे मैच के अंदर फ्लॉप रहा, इनको ड्रॉप करना। मिथ्वी को भी ड्रॉप करना, चार्लिस को भी ड्रॉप करेंगे। लास्ट के जो 4-5 खिलाड़ी आप इनको अवॉइड कर सकते हो इस मैच के अंदर। स्टार्टिंग ओवर पे देखेंगे जवाद बुखारी यहाँ पे दोस्तों कबीर मीरपुरी, ये दो गेंदबाज स्टार्टिंग ओवर आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे पहला और दूसरा ओवर। लेकिन डेथ ओवर पे देखोगे कबीर मीरपुरी यहाँ पे दोस्तों एमरसन, ये दो गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, ठीक है। आज बाकी के आप यहाँ पे 6-7 खिलाड़ी देख रहे हैं ये आपको आज बेंचेस में नजर आएंगे, तो ज्यादा यहाँ पे दोस्तों ध्यान बैटिंग ऑर्डर पे रखना, लगभग आपको सेम बैटिंग ऑर्डर मैच के अंदर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन PIR के टीम की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों केंड्रॉय नेस्टर ये आपको टीम के टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हुए देखेंगे, ओपनर बैट्समैन है, प्लस 2 ओवर गेंदबाजी भी करते हैं। 8 मैच के अंदर 214 रन प्लस 4 विकेट निकाल चुका है। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी खिलाड़ी ये खिलाड़ी सेफ रहेगा। बाकी एलन बर्न्स का रिकॉर्ड देखोगे 5 मैच के अंदर 58 रन बना के 2 विकेट निकाला हुआ। जोनाथन वेस्ट जो कि पहले मैच के अंदर 36 रन प्लस 1 विकेट है, फिर 48 रन, देखो अगर ये खिलाड़ी खेलते हैं तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनके खेलने के थोड़ा कम चांस है तो अभी तो फिलहाल इनको ड्रॉप करना, लेकिन लाइनअप में अगर ये खिलाड़ी रहता है तो आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी तक भी ले सकते हैं।
एंड्रयास का रिकॉर्ड देखेंगे, 8 मैच के अंदर 104 रन बना के 7 विकेट निकाला। दोस्तों बाकी रोका को ड्रॉप करेंगे हम लोग, डेविड को भी ड्रॉप करने वाले हैं। मार्क ये 5 मैच के अंदर 2 रन प्लस 1 विकेट निकाला, इनको भी ड्रॉप करेंगे। फिलहाल रिचर्ड का रिकॉर्ड 8 मैच के अंदर दोस्तों 2 रन प्लस 6 विकेट निकाल चुके हैं, ऑफ स्पिनर है। जुलेन जो संतोष का रिकॉर्ड देखोगे इनको भी ड्रॉप करने वाला हूं, रियन ग्रिमेस को भी ड्रॉप करने वाले हैं, सुरेश को भी ड्रॉप करेंगे, आशीष को भी ड्रॉप करने वाले हैं, लेविन को भी ड्रॉप करेंगे। लास्ट के जो 4-5 खिलाड़ी आप इनको अवॉइड कर सकते हो, या निशान जोशी आपके लिए फिर सेफ रहेगा, 2 ओवर गेंदबाजी करते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, अगर आप चाहें तो इनको ले सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग ओवर पे देखोगे सुरेश और यहाँ पे दोस्तों निशान जोशी, ये 2 गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन डेथ ओवर पे देखोगे एंड्रयास और यहाँ पे निशान जोशी, ये 2 गेंदबाज फिर आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखने वाले हैं। बाकी के जो यहाँ पे 6-7 खिलाड़ी आज इनको आप इनको दोस्तों यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो, जो कि पीआईआर की टीम की तरफ से आज आपको बेंचेस में नजर आएंगे। बाकी लगभग आपको सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर देखने को मिल जाएगा भाइयों, तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा हो, फॉर्म आपके सामने है, बैटिंग ऑर्डर आपके सामने है, यहाँ से अगर आप चाहें तो आसानी से टीम आप बना सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, तो टीम एक बार आप देख लो भाइयों, आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए अब रिकॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो रहने वाला है लॉर्न मस्त, तो यहाँ पे एल बर्न्स आपके लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। ये जो खिलाड़ी रहने वाला है पीआईआर के टीम की तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। 5 मैच के अंदर 58 रन प्लस 2 विकेट निकाला हुआ है, टीम का टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, गेंदबाजी भी 2 ओवर करते हैं। बाकी पीआईआर के टीम की तरफ से ये भी सेफ रहेगा आपके लिए दोस्तों, 4 मैच के अंदर 53 रन स्कोर कराए, लेकिन ये ओपन करने के लिए आते हैं, इस वजह से मैंने इनको फिलहाल ट्राई किया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल इन दोनों को ट्राई करते हैं, अगर आप इनको ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक अतिरिक्त बैट्समैन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 खिलाड़ी को लिया हुआ है एसएलजी की टीम की तरफ से, ये टीम के टॉप ऑर्डर का खिलाड़ी है एन जोशी को लिया हुआ है। यहां पे दोस्तों अगर आप चाहें देखो, यहां पे बैटिंग सर में कुछ खास ऑप्शन है नहीं, लेकिन जहां पे 3 बैट्समैन कंपलसरी होता है आप एसएलजी की टीम के तरफ से फिलहाल इनको ले सकते हैं। याद रखना दोस्तों लाइनअप के बाद मैं चेंज करूंगा ये खिलाड़ी, ठीक है। फिलहाल इनको ट्राई करते हैं, अगर आपको अभी कोई चेंजेस करना है तब कर सकते हैं बैटिंग सेशन में जहां कंपलसरी है। अगर यहां पे दोस्तों आर डेस्वानी खेलते हैं तो फिर ये तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ही, लेकिन ये नहीं खेल रहे हैं और इसी वजह से दोस्तों यहां पे मैंने चेंज करा है। बाकी लाइनअप के बाद एक दो खिलाड़ी मैं चेंज जरूर करूंगा, ये चीज आपको भी ध्यान रखना है दोस्तों, लाइनअप का वेट करना। बाकी ये गेंदबाजी करते हैं, अगर इनको आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, एक ही मैचेस अभी तक खेला है, तो इनके जगह में अगर आप चाहें तो इनको एज ए बॉलर ले सकते हैं, ठीक है। तो जहां बैटिंग सेशन में 3 बैट्समैन कंपलसरी है मैं उसका बात कर रहा हूं, नहीं तो आप 2 ही बैट्समैन को ट्राई करना। ऑलराउंडर में 4 बैट्समैन को मैंने लिया हुआ है पीआईआर के टीम के तरफ से दोस्तों, यहां पे 2 प्लेयर को मैंने लिया हुआ है एसएलजी के टीम के तरफ से, 2 प्लेयर टोटल जो आप देख रहे हैं, ये 4 ऑलराउंडर प्लेयर आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों सबको पॉइंट्स देंगे। बाकी बॉलिंग मैंने 3 बॉलर को लिया हुआ है, जय संतोष यहां पे एसएलजी के टीम के तरफ से ओनली 1 प्लेयर है और इनको मैंने लिया हुआ है, अपने स्पेल के 2 ओवर गेंदबाजी करेंगे फिक्स है। बाकी टीम प्रीव्यू आप मेरा आप देख सकते हैं, कैप्टनसी के लिए केनेस्टर, वाइस कैप्टनसी के लिए भी जमीत को मैं ट्राई कर रहा हूं, आपके पास चॉइस है, अगर आप चाहें तो एरेज को भी ट्राई कर सकते हैं वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए, भी आपके लिए एक सेकंड चॉइस है। तो फिलहाल दोस्तों आप इनको मतलब इस टीम को सेव कर लो, जो मैंने पूरी इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हुए आपके सामने क्रिएट किया हुआ है। बाकी लाइनअप आने देना, अगर एक दो प्लेयर चेंज भी होता है तो फाइनल टीम में आपको अपडेट कर दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो सिंपली आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना है भाइयों, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करके आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना, बहुत जल्द मिलते हैं अगला वीडियो में और भी बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ। शुक्रिया।